2018 हमने कर लिया है। अरे टू थाउजेंड एटीन हमने शायद नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नाम नहीं लिखा हुआ, चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, चैप्टर का नाम बाकायदा नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो। क्वेश्चन का नाम बाकायदा नहीं लिखा हुआ। हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? गर्ल्स आवाज आ रही है आपको? जा रही होगी। ओके, है थोड़ा मजेदार सवाल है, लेकिन समझना है हमें जरा। क्वेश्चन नंबर सिक्स 2018, मैसर्स नुमान ट्रेडर्स, मैसर्स नुमान ट्रेडर्स 2018 क्वेश्चन नंबर सिक्स। लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ मैसर्स नुमान ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 55,000 और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है 70,000। जरा टेक्निकल बात है, जरा और से देखना। चेक्स ऑफ 70,500 डिपॉजिट इन बैंक बट ओनली 46,000 वॉज क्रेडिटेड, का मतलब यह है कि वो क्लियर हो चुके हैं। ये और से सुनना मेरी बात, ये जरा टेक्निकल बात है। आपने टोटल पैसे बैंक में जमा कराए थे 70,500, जिसमें से बैंक में जो क्लियर हो चुके हैं पैसे, यानी जो आ चुके हैं बैंक में पैसे, क्लियर क्रेडिटेड का मतलब है यहां पर क्लियर हो चुके हैं जो पैसे, वो हो गए हैं 46,000। पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि तुम्हारा कैशबुक का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, क्योंकि आपने डिपॉजिट कर दी है। लिखा हुआ है बट ओनली, बैंक में तुमने डिपॉजिट करा दी है चेक, तुम्हारा कोई इसमें काम नहीं है, कैशबुक का कोई काम नहीं है इसमें, क्योंकि कैशबुक ने तो करा दिए होंगे डिपॉजिट, हमें तो पहले पता लग चुका होगा हमने बैंक में जैसे जमा करा दिए। लेकिन लेकिन बैंक वाला बोल रहा है, बैंक वाला बोल रहा है कि मैंने 46,000 के जो चेक है वो क्रेडिटेड कर दिए हैं। क्रेडिटेड का मतलब यहां पर है क्लियर हो चुके हैं, यानी मैंने वो 46,000 रिकॉर्ड कर लिए हैं। 70,500 में से मैंने 46,000 के चेक रिकॉर्ड कर लिए हैं, आपके अकाउंट में डाल दिए हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं क्या करूं भाई, वो तो आपको डाल नहीं थे, वो तो आपको डाल नहीं थे पैसे, वो पैसे अकाउंट में डालो ना, वो पैसे अपने पास शो करो ना जो अभी तक अनक्लियर्ड हैं। और मैंने तुम्हें बताया था अनक्लियर्ड हमारा बैंक में ऐड होता है। देखो ये तो क्लियर हो चुका है, फॉर क्लियर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, क्लियर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा उससे ताल्लुक है जो आज हम जमा करा चुके हैं, पर बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा। शो सिर्फ कितने हो रहे हैं, 46,000। क्लियर्ड का मतलब ये शो करा दिए बैंक ने, कितने शो नहीं कराए, आप इन दोनों का फर्क निकालेंगे। सबसे पहले ये अनक्लियर्ड वाला सीन है, लेकिन अनक्लियर्ड वाली अमाउंट आपको खुद निकालनी है भाई। अगर 70,500 में से 46 क्लियर हो गए हैं, तो दोनों का फर्क निकालो ना, कितने चेक, कितने रुपए के चेक ऐसे जो कि अनक्लियर्ड हैं, अनक्लियर्ड कितने मेरा,
और मैंने तुम्हें बताया तुम्हारा अनक्लियर से ताल्लुक है, क्लियर से ताल्लुक नहीं है। 70,500 माइनस 46,000 ये आ गया 24,500। 24,500 के जो चेक हैं आपके वो अभी भी अनक्लियर हैं। तो मुझे बताओ तुम्हारा अनक्लियर से ताल्लुक है या क्लियर से ताल्लुक है। बेटा जो क्लियर हो गया वो तो रिकॉर्ड हो गया होगा ना बैंक में भी, तुम्हारा उससे ताल्लुक है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आज नहीं तो कल क्लियर तो होगा ना मेरा बच्चा, तो बैंक वाले ही करेगा ना, हम क्यों करेंगे भाई। हमने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, हमने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। बेटा अगर आवाज कम आ रही है आपको तो आप फिर रिकॉर्डिंग देख लेना मेरा बच्चा, क्योंकि ये ग्लिच तो आएगा। मैंने जब ही तो मैंने यूट्यूब वाला सेशन ऑन किया है, सही है बेटा। मुझे जरा ईमानदारी से बताओ कोई एक बच्चा जिसको क्लियर आवाज जा रही है, क्या तुम्हारा 70,500 से ताल्लुक है, 46,000 से ताल्लुक है या 25,400 से ताल्लुक है, 500 से ताल्लुक है। ईमानदारी से लिख के बताओ तुम्हारा किससे ताल्लुक है। 70,000 का जमा कराया है, 70,000 का जमा कराया है, 70,500 रुपए के चेक जमा करा दिए। बैंक क्या बोल रहा है, मैंने फिर 46,000 क्लियर किए हैं, तो बाकी 24,500 कौन करेगा, चाचा आके करेंगे तुम्हारे, वो भी तो तुम ही करोगे ना। अगर ये क्लियर हो गए हैं तो क्लियर तो रिकॉर्ड हो चुका होता है, हम तो वो चीज करते हैं जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई हुई है। तो बैंक वालों को बोलो आज नहीं तो कल तुम्हें ये 24,500 भी तो अपने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। ये हमारा हमारा मामला थोड़ी है, हमारा एडिक थोड़ी है भाई है। तो हमारा ताल्लुक है 24,500 से, ये अनक्लियर है, और तुम्हारा अनक्लियर से ताल्लुक है, क्लियर से ताल्लुक नहीं है। अनक्लियर हो गया चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर हो गया। आप 24,500 बैंक में ऐड करेंगे, लिख लें पेंसिल से, लिख लें ऐड इन बैंक स्टेटमेंट 24,500। सीधी सी बात है ना, ये देखो आवाज नहीं आ रही है बेटा। आवाज नहीं आ रही तो यू विल हेलो, यहां से वैसे कम जा रही है बस। वेट करो एक मिनट बेटा, हेलो 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 हेलो, आप जा रही आवाज, अब जा रही आवाज, हेलो अब आ रही आवाज, ओके ओके। हाँ बच्चों तो मुझे ये बताओ, हाँ बच्चों तो ये बताओ कि मेरा 24,500 से ताल्लुक है, 70,500 से ताल्लुक है या 46,000 से ताल्लुक है, 24,500 से ताल्लुक है, क्योंकि जो क्लियर हो गया है, क्रेडिट का मतलब क्लियर हो गया है, पैसे आ गए बैंक में। तो बेटा जो आ गए मेरा उससे ताल्लुक थोड़ी है, जो आने हैं उससे ताल्लुक है ना बेटा, जो आने हैं उससे ताल्लुक है ना बेटा। अब तो मैंने, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा प्लीज, अब आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब बाकी सबको आ रही आवाज, अब एक एक आवाज के लिए मेरा बच्चा मैं क्लास थोड़ी वो करूंगा, आपको पता है कि रिकॉर्डिंग और ये सब बॉयज में तो आ रही है, गर्ल्स का मुझे नहीं पता बेटा, गर्ल्स में भी अब जा ही रही है आवाज, ठीक हो गई आवाज आ रही है सबको। अब सुनो जरा, मैं अनक्लियर को तुम्हें थोड़ा सा और भी समझाता हूं। ये देखो तुम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कब बनाते हो, महीने के एंड में, ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है। और अब तुम हर महीने के एंड में, तुम हर महीने के एंड में अपनी बैंक स्टेटमेंट के रिकॉर्ड को और अपने कैशबुक के रिकॉर्ड को कंपेयर करके बराबर करते हो, मैच करते हो, रिकंसाइल करते हो, ऐसे ही करते हो ना भाई, यही सिखाया ना मैंने।
अब सुनना बात गौर से, आपने चेक जमा कराया मिसाल के तौर पे जनवरी की 31 तारीख, आप कौन? कैशबुक। आप कौन? कैशबुक। आपने जनवरी की 31 तारीख को चेक जमा कराया, आपने जनवरी की 31 तारीख को चेक जमा कराया, आपने जमा कराया है ना, तो आपने तो अपनी कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, ऐसा ही है। अब बैंक में वो जाता है और बैंक के अंदर आपको पता है कि क्लियरिंग के अंदर दो दिन लगते हैं। जब दो दिन लगेंगे तो जाहिर सी बात है महीना चेंज हो जाएगा। अब बैंक वाला, जो बैंक स्टेटमेंट वाला है, वो बोल रहा है कि मैं ये 2 तारीख को आपके अकाउंट में क्लियर करूंगा। मुझे बताओ, अब वो 2 को करे, 3 को करे, 4 को करे, कभी ना कभी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो बैंक ही करेगा ना, हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमने तो रिकॉर्ड कर दिया है, यहां पर चेक हमने डिपॉजिट करा दिया है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये मेरा हेडेक है कि मैं अपनी बुक में रिकॉर्ड करूं, या ये बैंक का मामला है क्लियरिंग का? बैंक अपने पास करेगा, बैंक करेगा ना मेरा बच्चा, आज नहीं तो कल तो बैंक में तो पैसे आने ही आने। तो अगर मैंने बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं किया तो मेरा बैलेंस यहाँ पे कुछ और आ रहा होगा और यहाँ पे कुछ और आ रहा होगा। मेरा बच्चा, क्लियरिंग का डिपार्टमेंट हमारा थोड़ी होता है, ये तो बैंक का होता है। अब उसमें से बैंक बताओ क्या बोल रहा है, बोला आपने 70,500 के जमा कराए थे चेक, वो मैंने 46,000 क्लियर कर दिए हैं। जब क्लियर कर दिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 24,500 अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, तो ये मेरा काम नहीं, ये बैंक का काम है। बैंक 24,500 यहां पे प्लस करेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल 24,500 भी बैंक में ही आएंगे, बैंक वालों का ही मसला है, हमारा मसला नहीं है। क्लियर है मेरा बच्चा? जब तक के डिसऑनर्ड की खबर ना आ जाए। मैंने तुम्हें क्या बोला था, जिसने काम कर लिया है, जिसको पहले पता लग चुका है, जिसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके इल्म में पहले आ चुका है, वो है हमारा कैशबुक। जिसको बाद में पता लगेगा, या जो बाद में करेगा, या जिसको जिसके हैंड से कमी हुई है, या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी 70,500 की थी जमा कर क्लियर करने की, उसमें से उसने 46,000 क्लियर कर दी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की खत्म हो गई है। अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना बाकी है बैंक की, वो कौन कितनी है, 24,500। आज नहीं तो कल ये भी क्लियर होगा तो बैंक वाला ही शो करेगा अपने पास, क्योंकि हमने तो अपने पास 31 तारीख को रिकॉर्ड कर लिया था, और हमें 31 तारीख में अपनी बैंक और कैशबुक को कंपेयर करके मैच करना है। तो अगर मैं 31 तारीख को इसको भी ऐड नहीं करूंगा तो मेरी 31 जैन की कैशबुक और 31 जैन की बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बराबर नहीं आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बच्चा? ये अनक्लियर का पूरा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिया था, जब मैं फिजिकल पढ़ा रहा था। क्लियर है मेरा बच्चा? तुम्हारा अनक्लियर से ताल्लुक है, नॉट क्रेडिटेड से ताल्लुक है, चेक नॉट क्लियर से ताल्लुक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, अनक्लियर चेक, तुम्हारा इससे ताल्लुक है, क्लियर से ताल्लुक नहीं है। बेटा क्लियर में तो बैंक ने भी अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा ना, तो तुम डबल डबल क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो बैंक में? जो अनक्लियर है, जो आने हैं अभी बैंक में, बैंक वो रिकॉर्ड करेगा ना, जो आ गए वो क्यों कर रहा है, वो तो आ गए हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? यहां तक बात क्लियर है सबको? अब 31 दिसंबर को, 31 जनवरी को इसने तो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन इसका बैल ये बोल रहा है मैं 2 तारीख को करूंगा। अब हम बोल रहे हैं भाई 2 तारीख को करो, कभी भी करो, करोगे तुम ही। आज हम बैंक स्टेटमेंट में इसको प्लस कर रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आएगा तो बैंक ही रिकॉर्ड करेगा, हम रिकॉर्ड थोड़ी करेंगे, हम तो बराबर करने के लिए मंथ एंड क्लोज कर रहे हैं भाई। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? आगे बढ़ जाए तो ये ऐड होगा हमारा, सही है, बैंक स्टेटमेंट में ऐड होगा हमारा 24,500, सही है, 24,500। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या है। अच्छा, ऐसे ही सीन अनप्रेजेंट के साथ भी हो सकता है, अनप्रेजेंट के साथ भी हो सकता है। आइए जरा देखते हैं, चेक्स ऑफ 63,000 पढ़ने जा रहा हूं, जरा गौर से देखना, आवाज आ रही है सबको?
चेक्स ऑफ 63,000। बेटा एयर था, आप इतना लेट ज्वाइन किया आपने, मैंने एक पूरे समझा दिया, अब एयर पूछ रहे हैं आप लोग। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट आपके जो, माशाल्लाह मैं क्या बोलूं यार, इतनी दफा बोला था 2018 आपने लेट ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा, सो वेट फॉर रिकॉर्डिंग। 2018 क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा ये। चेक्स ऑफ 63,000 इशूड, टोटल हमने चेक इशू किए हैं, टोटल हमने चेक इशू किए हैं 63,000 के, बट ओनली 31,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 63,000 में से 31,000 प्रेजेंट हो चुके हैं बैंक में, यानी बैंक ने उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, हमने भी कर लिया क्योंकि हमने तो चेक इशू किया है, और बैंक ने भी 31,000 रिकॉर्ड कर लिए क्योंकि वो बैंक में प्रेजेंट हो गए, बंदे को पैसे मिल गए हैं, आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं। मुझे बताओ कुछ अमाउंट ऐसी है जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई है, क्या वो मेरा ताल्लुक है या वो बैंक का ताल्लुक है? कुछ अमाउंट ऐसी है 63,000 में से 31,000 बैंक में प्रेजेंट हो गए हैं, 32,000 अभी भी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं। मुझे बताओ जो प्रेजेंट नहीं हुए हैं तुम्हारा उससे ताल्लुक है? जो प्रेजेंट हो गए वो तो रिकॉर्ड हो गए होंगे, बैंक के इल्म में भी आ गया होगा, चेक आपने इशू किया आपके इल्म में भी होगा, जब दोनों के इल्म में तो रिकंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी एक के इल्म में और दूसरे के इल्म में नहीं है तो रिकंसिलेशन करने की जरूरत है। ये बात हुई थी ना भाई। मुझे बताओ 63,000 के चेक में टोटल जो आपने इशू किए, इशू का मतलब क्या है, पेमेंट के लिए दिए ना आपने, चेक जब भी इशू होगा समझ जाना पैसे जा रहे हैं अकाउंट से, और चेक जब भी डिपॉजिट होगा समझ जाना पैसे आएंगे अकाउंट में। गौर से देखना कितने के चेक थे टोटल 63,000 के, उसमें से 31,000 जो है वो प्रेजेंट हो गए हैं, जब प्रेजेंट हो गए होंगे तो बैंक ने भी लेस कर दिया होगा, और कैशबुक ने तो इशू किया है तो कैशबुक ने भी लेस कर दिया होगा, दोनों का अमाउंट सेम आ रहा होगा, इसको भी पता है कि मैंने चेक इशू किया है और इसको भी पता है कि मैंने चेक इशू किया है, तो इसने भी रिकॉर्ड कर लिया होगा और इसने भी रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन बैंक को 63,000 पूरा माइनस करना चाहिए था क्योंकि हमने तो पूरा 63,000 का चेक इशू किया है, बैंक ने अभी तक उसमें से सिर्फ 31,000 माइनस किए, क्योंकि बैंक वालों को पता ही यही है कि 31,000 है। मुझे बताओ आज नहीं तो कल जब बाकी अमाउंट का चेक भी बैंक में प्रेजेंट होगा, जब बाकी भी अमाउंट का बैंक में प्रेजेंट होगा चेक, तो बैंक लेस करेगा ना अपने पास से, यस और नो? अगर बैंक ने लेस नहीं किया आज नहीं तो कल, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है ना, कभी ना कभी तो अनप्रेजेंट चेक भी प्रेजेंट होगा, आज नहीं हुआ तो हमने तो अपनी कैशबुक से पूरा 63 माइनस किया है, अगर हम 63 माइनस कर रहे तो तुम भी पूरा 63 माइनस करो ना, 31 माइनस करके क्यों बैठे हुए हो भाई? तो मुझे बताओ जो फर्क वाला अमाउंट होगा वो अनप्रेजेंट चेक होगा, और मैंने तुम्हें अनप्रेजेंट चेक बैंक स्टेटमेंट से लेस करना सिखाया है, याद है अनप्रेजेंटेड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आउटस्टैंडिंग चेक, ये तीन नाम मैंने बैंक स्टेटमेंट से लेस करना सिखाए थे, ये प्रेजेंट हो चुका है अनप्रेजेंट नहीं है, इन दोनों का फर्क निकालो तो 32,000 रुपए आ रहा होगा, ये 32,000 रुपए हमारा अनप्रेजेंटेड चेक है, और अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट से लेस होता है मेरा बच्चा, अनप्रेजेंटेड चेक। देखो यहां 63 माइनस हो रहा है तो यहां भी 63 होना चाहिए ना, यहां अभी तक बैंक में कितना प्रेजेंट हुआ 31, तो मुझे बताओ जो रह गया वो भी कभी ना कभी बैंक स्टेटमेंट से ही लेस होगा ना, हम क्यों करेंगे भाई लेस उसको, हमने तो पूरा 63 कर दिया, बैंक जाने बैंक का काम जाने, हमारा थोड़ी है मसला इसमें, आज नहीं तो कल बैंक वाले को जब पता लगेगा तो बैंक भी रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास, लेकिन हम स्टेटमेंट तो महीने के एंड की बना रहे हैं, हमें शो तो कराना है। देखो एज एन अकाउंटेंट, सॉरी एज अ स्टूडेंट आपको तो कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों को ही रिकनसाइल करना है, तो आप तो दोनों को ही काम कर रहे हैं बेसिकली, तो 63,000 अगर आप कैशबुक से माइनस कर चुके हैं तो आपको पूरा 63 बैंक स्टेटमेंट से भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक कैशबुक क्या बोल रहा है, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया 63,000 पूरा, तुम भी रिकॉर्ड कर लो, तुमने 31 क्यों किया है भाई, 32 अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, कभी ना कभी प्रेजेंट होगे तो लेस तो करोगे ना,
तो हम उस वक्त का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि हम मंथ एंड पर रिकंसाइल करना चाह रहे हैं। आज हम रिकंसिलेशन के वक्त बैठे हुए हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? तो 32,000 रुपए और माइनस करोगे, टोटल कितने माइनस हो गए? 63,000। ये हो चुका है, ये तुम्हें करना है। तो आप 32,000 को लेस फ्रॉम कैश बुक करेंगे, सॉरी लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, 32,000 लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट से लेस करोगे। तुम्हारा प्रेजेंट से ताल्लुक है, अनप्रेजेंट से ताल्लुक है? अनप्रेजेंट से ताल्लुक है, पढ़ाया भी था मैंने। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। चलो खैर, इसकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तो बनेगी लेकिन इसकी एंट्री नहीं बन सकती, इसकी एंट्री नहीं बन सकती क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट का आइटम है, मैंने पढ़ाया था। सिर्फ कैश बुक की एंट्रीज बनती है। उसके बाद लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, कैश बुक में ऐड होगा ये, कस्टमर डायरेक्ट बैंक में पहुंच गया है, बैंक को ये बात पता लग चुकी है, बैंक ने रिकॉर्ड कर ली होगी, आप भी रिकॉर्ड कर लो। तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर डायरेक्ट अपना चेहरा लेके पहुंच गया बैंक में, तो बैंक वालों को पता लग गया ना, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, बैंक ने बोला सर आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, क्यों बता रहा है बैंक, ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर बैंक में ऐड होगा 10,000। डिसऑनेस्ट चेक, डिसऑनेस्ट की खबर कौन देता है? बैंक देता है। डिसऑनेस्ट में पैसे कम होते हैं, डिसऑनेस्ट में पैसे कम होते हैं, हम समझते हैं बैंक में पैसे आ गए, हम बैंक बढ़ा देते हैं फजूल में, खुशफहमी में। बाद में बैंक वाला फोन करके क्या बोलता है, नहीं आए, लेस कर लो, खुश मत हो। तो हमने माइनस करना है। डिसऑनेस्ट चेक की खबर जो है वो बैंक देता है, तो आपको बैंक बता रहा है तो उसका मतलब आप कैश बुक से लेस करोगे। जो बता रहा है, उसूल याद रखो ना, जो बता रहा है, जिसको पहले पता लग चुका है वो रिकॉर्ड कर चुका होगा, आपने वहां रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। जिसको बताया जा रहा है या जिसको नहीं पता है वो रिकॉर्ड करेगा अपने पास। बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक ने आपके अकाउंट से सर्विस चार्जेस काटे हैं, बैंक ने आपके अकाउंट से सर्विस चार्जेस काटे हैं। सर्विस चार्जेस बहुत सारे हो सकते हैं मेरा बच्चा, आपने बैंक से पे ऑर्डर बनवा दिया हो, चेकबुक चार्जेस हो गए हो, ये सब बैंक जो भी सर्विस आपको दे रहा होता है उसके मिसिलीनियस बहुत सारे सर्विस चार्जेस हो सकते हैं, तो बैंक वाले ने आपके अकाउंट से वो डिटेक्ट कर दिए हैं सर्विस चार्जेस ना, बैंक ने किए हैं ना, बैंक ने, तुमने थोड़ी किए, तुम तो कैश बुक हो, तो अगर बैंक ने कर दिए तो बैंक क्यों बता रहा है आपको, ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। आप कौन? कैश बुक। तो ये सर्विस चार्जेस जो है आपका कैश बुक से लेस होगा। प्रॉफिट दिया है बैंक ने, ये क्रिएटेड लिखा हुआ है, क्रेडिटेड लिख दो, क्रेडिट का मतलब होता है पैसे दिए बैंक ने, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये क्रिएटेड लिखा हुआ है, मिसप्रिंटिंग है ये, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने प्रॉफिट दिया है। बैंक क्यों बता रहा है ये बात? आपका जो पैसा बैंक में रखा हुआ था उस पर इंटरेस्ट, मार्कअप या प्रॉफिट, बैंक गिवन मार्कअप, आपको मार्कअप दिया है, बैंक गिवन प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक ही बात है। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है यानी प्रॉफिट दिया है या मार्कअप दिया है, बैंक में पैसे आए हैं आपके, ये बात बैंक आपको क्यों बता रहा है? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। क्लियर है मेरा बच्चा? याद रखना इन इस टाइप की जो होती है ना फर्क निकालने वाली ट्रांजेक्शंस, इस पे बहुत गौर से देखा करो, अपनी अकल इस्तेमाल किया करो। तुम्हारा अनक्लियर से ताल्लुक है, अनप्रेजेंटेड से ताल्लुक है, तो तुम उसकी अमाउंट निकाल के एडलेस करोगे। अनक्लियर या अनप्रेजेंट, जो प्रेजेंट हो गया तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, जो क्लियर हो गया उससे भी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही है? अच्छा नरेश क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन March 31, 2018। आओ बनाओ जरा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, आ जाओ जल्दी से बना लो। इदारे का नाम है मैसर्स नोमान ट्रेडर्स। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, फॉर द मंथ ऑफ, कौन से मंथ का बना रहे हो जी? मार्च
मार्च मार्च की 31 तारीख। मार्च की 31 तारीख लिख दो जरा। फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31st कितना 2000 कौन सा है? 18 है 17 है? ईयर बताओ कौन सा है? 2018। सबसे पहले आपके पास यहां पे लिखा हुआ है यहां पर आ गया आपका रिवायती पर्टिकुलर यहां आ गया आपका कैश बुक और यहां आ गया आपका बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहले गैर मिलनशुदा बैलेंस जिसको हम कहते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस, मुझे जरा जल्दी से बता दे कैशबुक का अनएडजस्टेड बैलेंस कितना है? कैशबुक का अनएडजस्टेड बैलेंस कैशबुक का अनएडजस्टेड बैलेंस कितना है? कोई एक बच्चा बता दे। 55,000। 55,000। और बैंक स्टेटमेंट का अनएडजस्टेड बैलेंस कितना है? 70,000। दोनों का बैलेंस सेम नहीं आ रहा है, जबी तो डिस्क्रिपेंसीज जो हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए जो फर्क आए हैं हम उसको रिकनसाइल करेंगे। सबसे पहले चेक जो डिपॉजिट हुए हैं 70,500 के, बट ओनली 46,000 वॉज क्रेडिटेड, यानी 46,000 क्लियर हो गए, बाकी जो है वो अनक्लियर है। कितने थे अनक्लियर जरा बताना। अनक्लियर हमेशा बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल बैंक में तो आएगा ना, वो तो बैंक वाला ही रिकॉर्ड करेगा ना। अच्छा तो आगे वो मत करना रिकॉर्ड, पता चला वो रिकॉर्ड कर रहे हो, डबल डबल रिकॉर्ड करोगे क्या? जो आ गया उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐड अनक्लियर चेक क्योंकि भाई हमने तो पूरा 70,500 जमा कराया होगा ना बैंक में, हमने तो अपने पास 70,500 लिखा होगा पूरा का पूरा, बैंक वालों ने अभी तक उसको कितना रिकॉर्ड किया है? 46,000। 46,000 बाकी कौन करेगा? चाचा करेंगे उनके, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करें भाई, हम तो अपनी मंथ एंड में रिकंसिलेशन बना रहे हैं, हमने तो 31 तारीख को जमा करा दिया होगा पूरा चेक 70,500 का, हमें 70,500 ही चाहिए पूरे। अगर आपने 70,500 में से 46 सिर्फ डाले अकाउंट में तो बाकी 24,500 भी आप ही का काम है डालना अकाउंट में, हमारा काम नहीं है। एड अनक्लियर चेक कितना? चलो टोटल बताओ मुझे जल्दी से, पहला टोटल बताओ, पहला टोटल
पहला टोटल बताओ जल्दी से, पहला टोटल। पहला टोटल बता दो जल्दी से। सो गए सारे। 94,500। ये एज इट इज आ जाएगा। चलो आगे बताओ। चेक ऑफ रुपीज 63,000 इशू। चेक हमने टोटल 63,000 के इशू किए हैं। हमने इशू किए हैं, हमने कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा। इशू करने से पैसे हमेशा जाते हैं, डिपॉजिट करने से पैसे हमेशा आते हैं। अपनी कॉमन खोपड़ी भी इस्तेमाल करना। हमने चेक इशू कर दिए 63,000 के, बट बैंक ने अभी तक 31,000 प्रेजेंट किए हैं। बैंक में सिर्फ 31, यानी बैंक ने सिर्फ 31,000 माइनस किए हैं। मेरा बच्चा आज नहीं तो कल बैंक में बाकी पैसे भी माइनस होंगे, यस और नो? तो हम वेट क्यों करें, हम क्यों वेट करें भाई? हम तो 31 तारीख को बराबर करने के लिए बैठे हैं अपना कैश और बैंक का रिकॉर्ड। आज नहीं तो कल बैंक में प्रेजेंट होंगे तो बैंक वाले ही करेगा ना, हम क्यों करेंगे भाई? हमने तो चेक इशू करते जिस दिन चेक इशू किया होगा पूरा 63 माइनस किया होगा, पूरा कैशबुक में 63 माइनस किया होगा। लेकिन तुमने 63,000 में से सिर्फ कितना माइनस किया है बैंक? 31,000। बाकी 32,000 रुपए तुम्हारे अनप्रेजेंट है। और मैंने क्या बोला था, अनप्रेजेंट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट या आउटस्टैंडिंग चेक हमेशा बैंक से माइनस होता है, यही बोली थी बात। लेस कर दो मेरा बच्चा, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। कितना अनप्रेजेंटेड चेक? 32,000। आंसर निकालो, 32,000 आंसर निकालो। 62,500 आ रहा है, 62,500 आ रहा है आंसर। ओके ओके, ये एज इट इज आ गया भाई। चलो नेक्स्ट बताओ क्या है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, यार ये तो पहले दिन समझाया था मैंने, पहले दिन डायरेक्ट कस्टमर ने बैंक में जमा करा दिए पैसे। बैंक आपको क्यों बता रहा है ये बात? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। आप कौन? कैशबुक। जब भी बोलो ना आप कौन, समझ लो कैशबुक। बैंक बोल रहा है मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, तुम भी रिकॉर्ड कर लो। ऐड क्यों हो गए? क्योंकि पैसे आए ना भाई, क्या हो गया? ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कितना बच्चा डायरेक्ट डिपॉजिट कितना हुआ है? 10,000 प्लस करो तो ये आ गया 65,000। और ये आ गया 62,500। चलो आगे बताओ। चेक डिसऑनर्ड हुआ है, डिसऑनर्ड की खबर कौन देता है? डिसऑनर्ड की खबर कौन देता है? बैंक। बैंक बता रहा है तो उसका मतलब क्यों बता रहा है आपको? ताकि आप भी अपनी कैशबुक में रिकॉर्ड कर लो। कितना बेटा? 31,000 61,500। और ये कितना आ रहा है? 62,500। चलो आगे बताओ। बैंक ने सर्विस चार्जेस काटे आपके अकाउंट से, सर्विस चार्जेस काटे बैंक ने आपके अकाउंट से, बैंक ने काटे। बैंक क्यों बता रहा है आपको? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। लेस बैंक सर्विस चार्जेस। कितना बेटा? 500। ये आंसर आ गया 61,000। और ये आ गया 62,500। अभी भी एक बचता है,
यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं उसको मैं। चलो ये कितना बैलेंस है 61,000 और ये कितना है 62,500। चलो जल्दी बताओ प्रॉफिट दिया बैंक ने, प्रॉफिट दिया बैंक ने, बैंक ने बताया आपको मैंने प्रॉफिट दिया है, कितना प्रॉफिट दिया है 1500 रुपए। जमा करो बराबर आ रहा है एड प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने प्रॉफिट दिया है। जिसको पहले पता लग चुका होता है प्रॉफिट बैंक ने दिए तो बैंक को पहले पता लगा होगा ना, आपको क्यों बता रहा है, ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। एड कितना, जरा सब बच्चे जल्दी से बताओ, रिकंसाइल हो गया? रिकंसाइल्ड बैलेंस, रिकंसाइल्ड बैलेंस क्लियर है मेरा बच्चा? अब इसकी एंट्री जो है वो आप लोग बना लें, अब इसकी एंट्री आप लोग बना लें 62,500। एंट्री सिर्फ किस किस की बनेगी? इधर देखो आखिर के तीन की बनेगी,